हेलो स्टूडेंट्स, धनबाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी सेमेस्टर वन वाले स्टूडेंट्स हैं 2023 से 2027, उनकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो बता दी गई है कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल यानी कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ली जाने की तैयारी कर रही है BBMQU और VBU। ठीक है, तो विश्वविद्यालय की तरफ से टाइम अभी नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द, ठीक है, आपके टाइम भी दे दिया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि PG सेमेस्टर वन वाले का भी पेपर शुरू होने वाला है, ठीक है, तो ये भी न्यूज़ आया है कि PG सेमेस्टर वन वाले का न्यूज़ 13 अप्रैल से आने वाला है। तो इनके बीच, इनके साथ साथ ही आपका UG सेमेस्टर वन का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम एक बार न्यूज़ को पढ़ते हैं। न्यूज़ जो आई है कि 2023 से 2027 में 29,500 बच्चों ने लिया था एडमिशन, पर ठीक है, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी 25,000 ही थे, करीब 25,500 थे, लेकिन बाकी के 4,000 विद्यार्थी कहाँ गए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों ने BBMQU छोड़ दिया है। इसका ये रीज़न है कि देखिए, जैसे कि CUET UG के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, PG के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, तो लोग जागरूक हो गए हैं पढ़ाई को लेकर। इसका एक पॉजिटिव रीज़न ये है कि लोग चाह रहे हैं कि अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ना, BHU या फिर DU, इन सब के लिए ट्राई ज़रूर करते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से BBMQU का एग्ज़ाम कराने का तरीका है वो थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में चीज़ें नहीं चलने के कारण लोग BBMQU को छोड़ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी जेनेरिक पेपर वाला हाल है, आप देख सकते हो कि लोगों को जो 18 से 22 वाले जो बच्चे हैं या उसके बाद वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ी तकलीफें तो आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन ठीक है, प्रॉस है तो कॉन्स भी है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी आपके होम सेंटर पर है, इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। तो इन सब पे ध्यान ना देते हुए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में हैं तो अपनी कोर्स को पूरी तरह से आगे बढ़ाइए, पूरा कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ें करनी पड़ सकती है, और आगे के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए CUET PG का ध्यान दीजिए, आगे अच्छे से पढ़ाई करिए। और एक अच्छी न्यूज़ ये है, 2022 से 26 वाले बच्चों के जो एग्ज़ाम थे वो भी लिए जाएंगे, ठीक है, सेमेस्टर वन वाले, ठीक है। 23 से 27 वाले जो सेमेस्टर वन वाले हैं, ठीक है, उनके भी एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। और उसमें बताया जा रहा है कि ये जो PG सेमेस्टर 3 है ना, ये देखो, एक मिनट, हाँ, तो फाइनली जो आपका एग्जाम है उसके बारे में ये न्यूज आ रही है कि देखिए एटलीस्ट 13 अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। 13 अप्रैल से स्टार्ट होगी PG की। तो जब 13, 16, 19 ये जो इस टाइम की डेट आई है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपका भी 13 से 15 के बीच जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने की संभावना है। और अगर नहीं भी हो पाता है तो टेंशन मत लीजिए, मे बी चांसेस है कि वो आपका जो एग्ज़ाम होगा, मेरे को लगता है कि मे के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो थी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आप लोग के लिए। और एक न्यूज़ है कि होम सेंटर पे ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिस भी कॉलेज के आप हो वहीं पे आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और 23 से 25 वालों का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, जो PG सेमेस्टर वन वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो डेट आ गई है। प्रॉपर जो डेट शीट है वो भी अभी कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। और आपने परीक्षा का जो फॉर्म था वो भर लिया है, एडमिट कार्ड कहाँ से क्या लेना है वो, उसके लिए भी न्यूज़ आपको मिलते रहेगा टाइम से। तो उसके लिए धनबाद मैथ्स एकेडमी को फॉलो करें। और मैं आपको एक और न्यूज़ बता दूँ कि जो भी बच्चे केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, केमिस्ट्री माइनर, ठीक है। 2023 से 27 वाले बच्चों के लिए था ये। किन के लिए था? तो 2023 से, ठीक है, ये 2023 से 27 वाले बच्चों के लिए था, ठीक है। इनके लिए जो माइनर की पढ़ाई करा चुकी हूँ, इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो मेजर पोर्शन है वो मैंने कवर कराया है, ठीक है। और मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं, ऐप आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें। और साथ में अभी जो भी जूलॉजी मेजर वाले बच्चे हैं, ठीक है, 2023 से 27 वाले, ठीक है, सेमेस्टर वन वाले जो भी बच्चे हैं, उनकी क्लास मैं करवा रही हूँ, ठीक है। और उनकी क्लास, क्योंकि एग्ज़ाम को 15 दिन है, तो मैं 15 दिनों में पूरा सिलेबस आप लोग को कवर करूँगी। और सारा का सारा जितने भी आपके नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टाइम टू टाइम,
ठीक है, टेलीग्राम चैनल से उसके लिए आपको जुड़ना होगा और साथ में ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है, और यूट्यूब पे देखते रहें, क्लासेस आपकी आते रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा मेजर भी है ये 10-15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इतना आप पढ़ लोगे 10 तारीख तक कि आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कहाँ मेरे को देखना है, कौन सा बेस स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, कीप स्टडिंग।